हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा कमाल और बहुत ज्यादा खुशी से भरा होने वाला है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक तो आप करोगे ये तो पक्का है, लेकिन शेयर करने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको न्यूज देने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा कमाल की न्यूज है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। यहाँ पे हैदराबाद से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा, शायद आपने टीवी में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखना दोस्तों। हैदराबाद पुलिस ने जो चारों आरोपी थे डॉक्टर प्रियंका रेड्डी मर्डर केस के और रेप केस के, उनको हैदराबाद पुलिस ने गोली मार दी है। मतलब चारों के चारों आरोपी जो हैं उनका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और चारों के चारों आरोपी जो है वो मारे गए हैं। ये यहां पे पुलिस की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान निकल करके आ रहा है और एकदम दिल खुश कर दिया है पुलिस ने यहां पे। और हमारी सरकार जो है, अब जैसा कि हम बोल रहे थे ना कि यार मतलब पाकिस्तान वाले डरते हैं और लेकिन हमारे ही देश में जो छुपे हुए हैं उनका क्या होगा, लेकिन यहाँ पे सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भाई कोई भी नहीं बचेगा। अगर आप गलत कर रहे हो तो छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे कहानी क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ पहले फटाफट से। देखो हुआ क्या था कि सबसे पहले मैं बताऊं, यहाँ पे प्रियंका रेड्डी का जो मतलब मर्डर केस हुआ था और रेप केस हुआ था, यहाँ पे पुलिस ने वापस से वो जो क्राइम सीन था, मतलब जिस जगह पे ये सभी चीजें हुई थी, वहां पे पुलिस लेकर के जा रही थी ये चारों आरोपी को सुबह के 3 बजे। और 3 बजे क्या हुआ कि चारों आरोपी जो है ना वो भागने की कोशिश किए पुलिस हिरासत से, तो इसलिए पुलिस ने इन सभी को, ये यार यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पुलिस ने इन सभी को यहाँ पे मार दिया है, एनकाउंटर कर दिया है। और पुलिस यहाँ पे ये बता रही है कि सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने ये सभी कुछ किया, क्योंकि वो पुलिस के हिरासत से भाग रहे थे, धुंध का फायदा, कोहरा का फायदा उठा करके पुलिस से भाग रहे थे। तो पुलिस ने यहाँ पे उनको पकड़ने के बजाय, सीधी सी बात है यार, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पुलिस ने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्टली बोलूं तो पुलिस ने मार दिया है सालों को, ठोक दिया है सालों को। माफ करना यार ये लैंग्वेज यूज करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यार बहुत अच्छा खबर निकल करके आ रहा है दोस्तों सामने। आप जाकर के टीवी में जरूर देखो, आपको पूरा कहानी पता चल जाएगा। बहुत बड़ी गुड न्यूज है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और बता दीजिए कि आज का जो हिंदुस्तान है वो चुप नहीं रहेगा। घर में घुस के तो मारता ही है, लेकिन घर के अगर लोग ऐसा करें तो उनको भी सजा जरूर मिलती है। और बहुत जल्दी पुलिस ने एक्शन लिया, उसके लिए सबको थैंक यू सो मच। और बस बहुत अच्छा किया यार, जय हिंद, वंदे मातरम।